तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है कि लड़का लड़की के गले में जब मंगलसूत्र पहनाता है, विवाह के समय में वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में केवल काली काली रातें नहीं होती, दुखी दुख नहीं होता, एक दिन सुख का मेरा महादेव जरूर देता है, उस सुख के दिन का इंतजार जरूर करना। और बहुत ज़्यादा सुख परमात्मा देवी देता है, सोने का एक मन का आ भी जाता है, चमकदार एक मन का आ भी जाता है, एक गोल्डन समय आ भी जाता है, तो फिर वापिस कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। आखिरी में एक पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगल सूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है, वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है जो हृदय में छूता रहना चाहिए, वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए, वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए, वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगल सूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए, प्रतीक्षा जरूर। एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना, चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी, वो सुनेगा जरूर सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठालो। उसके दरबारे में पहुंचकर हम अपनी चित्तवृत्ति को अपने मन को उसको समर्पित, सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, भरता सभी की है झोली खाली, भरता सभी अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा आएगा, जीवन में दुख आएगा, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, प्राप्त होगा।